गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी एक और नई क्लास आपकी सेवा में। डियर एड पीटीसी थर्ड सेमेस्टर पर आधारित आपकी ये क्लास होगी, लेकिन जो मैथ आप पढ़ रहे हैं लघुगणक अर्थात लागरथिम, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। बेसिक कॉन्सेप्ट सभी के लिए उपयोगी होगा, इसलिए ध्यान से देखना और क्लास को पूरा देखना। चलिए, सबसे बड़ी बात तो ये बताने वाले हैं कि बीच में क्लास को स्किप मत करना अगर समझना है तो। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णांक ज्ञात करना। देखिए, पूर्णांक इंटीजर अलग है, ये पूर्णांश अलग है। पूर्णांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर सब लिख दिया गया है। इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पर हेडिंग ऊपर लिखा है ना, इसका हेडिंग है पूर्णांश एवं अपूर्णांश। ठीक है, तो पूर्णांश क्या होता है, अपूर्णांश क्या होता है, इन दोनों की हिंदी इंग्लिश आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसको पहले परिभाषा समझते हैं किताबी भाषा में, फिर आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। किसी संख्या के लघुगणक के पूर्णांक भाग को पूर्णांश कहते हैं और दशमलव भाग को, यानी कि जो अपूर्णांक वाला भाग होता है, उसे अपूर्णांश कहा जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आपको दें कि 3.52, तो इसमें 3 जो है वो क्या है, पूर्णांश भाग है, और ये जो 0.52 बचेगा ये अपूर्णांश भाग है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, ये लघुगणक के रूप में अगर लिखा होता है तो वहां पर इसको निकालते हैं पूर्णांश और अपूर्णांश। तो हम आपको एक रियल वाला एग्जांपल दिखाते हैं जो वास्तविक एग्जांपल बुक में दिया है, उसको देखिए। ये एग्जांपल कुछ ऐसे है, लॉग 4576 और बेस है इसका 10 इक्वल 3.66048 में, मतलब अगर ये इतना एग्जांपल ऐसे दिया है तो मतलब इतना होता है तो 3.66048 में 3 क्या है, एक पूर्णांश है। 3 क्या है, 3 एक पूर्णांश है एवं 0.6648 क्या है, ये अपूर्णांश है। अब आप पूर्णांश और अपूर्णांश समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट करके बताना। और मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास को पूरा देखना, समझ में आने की गारंटी होगी। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, यहां पर एक बात और हम आपको बताने वाले हैं कि पूर्णांश और अपूर्णांश ज्ञात करने के नियम क्या होते हैं। हो गया इतना, देखिए अब हेडिंग लिखिए पूर्णांश और अपूर्णांश ज्ञात करने के नियम। ये तो बहुत आसान बात थी जो आप समझ गए, लेकिन अभी थोड़ी और मुश्किल वाले भी बातें हैं आगे, उनको भी समझना। ज्ञात करने के नियम, अब रूल कायदे क्या है इनके, कुछ अलग एग्जांपल में देखना। हेडिंग लिख लीजिए तुरंत, देखिए यहां पर नियम कानून देखिए, पूर्णांश एवं अपूर्णांश ज्ञात करने के नियम। देखिए साथियों, आपने एक सवाल छोटा सा तो देख लिया था, मतलब जैसे कि हमने आपको दिखाया था 3.52, इसमें तो आप जानते हो कि पूर्णांश क्या है अपूर्णांश क्या है। लेकिन मुसीबत तब हो जाती है जब दशमलव के पहले कई अंक आ जाएं। इसमें देखो 3 अंक है ना, तो इसमें अगर पूर्णांश भाग की बात करेंगे तो पूर्णांक इसमें 245 नहीं होगा, और सॉरी पूर्णांश 245 नहीं होगा। अगर पूर्णांक भाग बोले तो इंटीजर तो 245 है पूर्णांक, लेकिन पूर्णांश नहीं है। पूर्णांश कैसे निकालते हैं उसको देखना। देखिए, पूर्णांश निकालने के लिए आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसका तरीका क्या होता है, जिस धनात्मक संख्या, मतलब जो कि एक से बड़ी हो, संख्या धनात्मक हो और एक से बड़ी हो, के पूर्णांक भाग में, पूर्णांक भाग मतलब ये दशमलव के पहले वाला भाग, m प्लस 1 अंक होते हैं। m प्लस 1 का मतलब क्या होता है जानते हैं आप, जैसे 3 है ना, तो 3 को आप लिखोगे 2 धन 1,
मतलब वो यानी कि जितना अधिकतम अंक है दोनों को जोड़ने के बाद उतना आ जाए बस, बात समझ रहे हो ना। जैसे अगर कहीं पर ये 3 2 5 दशमलव 3 2 5 होता, यहाँ पर दशमलव होता, मतलब यहाँ 5 अंक है, कितना शुरू में 5 अंक है ना, तो इसको आप क्या करते, m+1 के रूप में आप इसको 4+1 लिखते, मतलब लास्ट वाला गिनती 1 होनी चाहिए बस, उसके पहले उतनी गिनती आप लिखोगे जिसको जोड़ने के बाद ये इसके बराबर आ जाए। जैसे अगर ये 5 गिनती टोटल है दशमलव के पहले, तो आप इसको 4+1 करोगे, अगर ये टोटल 3 गिनती थी तो आप 2+1 करोगे, अगर 7 है तो 6 धन 1 करोगे, तो पूर्णांश क्या होगा पता है, वही नंबर होगा, मतलब 2 है इसमें, इसमें क्या है 4 है, कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे दशमलव के पहले जितनी गिनती है उससे 1 कम होगा पूर्णांश, बस इतना जान लीजिए। यानी कि इसमें अगर पूर्णांश भाग की बात करें तो पूर्णांश कितना है, इसमें पूर्णांश 2 है, कितना है 2 है, अगर हम इसमें बात करें 3 5 3 दशमलव 3 2 5 में, इसमें क्या है पूर्णांश, इसमें भी पूर्णांश 2 ही है, कितना है 2 है, लेकिन अगर 1 4 दशमलव 3 0 5 3 में बात करें तो इसमें पूर्णांश 1 है, कितना है 1 है, बात समझ में आई ना कि नहीं आई, इतना क्लियर है। अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है या कुछ भी गड़बड़ लगता है, आपको कहीं कोई और रूल मिल रहा है या कहीं कोई और तरीका मिल रहा है, तो उसे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक ना। आगे चलें, अगला देखना। हाँ, ये तो हो गई बड़े वालों की बात, अब इसमें देखना, जिस धनात्मक संख्या में जो मतलब 1 से छोटा हो, ये तो बात थी, ये सभी संख्याएं 1 से बड़ी थी, अब देखना जब 1 से छोटी हो संख्याएं तब क्या होगा, अब 1 से छोटी होने पे क्या होगा, 1 से छोटी का मतलब ये less than 1, देखना में दशमलव बिंदु के बाद यम शून्य के बाद कोई अशून्य अंक आता हो, इसको देखिए पहले आपको डेफिनेशन लिख देते हैं हम तब बताते हैं। चलिए देखिए, जिस धनात्मक संख्या मतलब जो 1 से छोटी हो में दशमलव बिंदु के बाद यम शून्य के बाद कोई अशून्य अंक आता है तो लघुगणक का पूर्णांश यम धन 1 होता है, ये आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, नहीं समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम्पल देखना आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल में है 0.0034, अगर इसमें पूर्णांश और अपूर्णांश बताना है तो क्या करोगे पता है, देखिए में दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 2 जीरो है ना, मतलब 2 शून्य है, 2 शून्य आने के बाद ही अशून्य अंक आता है, अशून्य अंक मतलब 3 आता है, इसका पूर्णांश भाग क्या होगा, माइनस में 2+1 होगा, माइनस में 2+1 माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि ये अगर दशमलव वाला इस तरह का आता है तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा। इसको एक दूसरे तरीका से भी समझ लेना, आप लोग जैसे भी अच्छा लगेगा वैसे करना, इतना बात समझ में आई ना, तो इसको जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी पूरा देखोगे तो सब समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा आपको कोशिश करना होगा, क्योंकि ये सब बहुत आसान नहीं होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, कोशिश करोगे तो सब आएगा। देखिए इसको दूसरा तरीका क्या है, जैसे ये इतना है ना, इतना है साथियों, इसमें हमें ऐसा कुछ करना है कि दशमलव 1 अंक पर लगे बस, यानी कि दशमलव के बाईं तरफ 1 अंक चला जाए, बाकी सब दाहिनी साइड रहे, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं इसमें, देखो पहला नंबर तो दशमलव अगर कहें कि हटाएं हम यहां ले आएं, तो इसके लिए दशमलव के बाद देखो 4 अंक है ना, तो आप इसमें दशमलव के बाद क्या करोगे, 4 जीरो लगा के गुणा करोगे, सिंपल सी बात है यार, ये देखो 4 जीरो वाला कर लिया, अब अगर आप इसमें गुणा कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 34, और ये नीचे क्या बन जाएगा, वही 10,000, इतना बन जाएगा ना, लेकिन हमें दशमलव 1 अंक पे रखना है, इसमें क्या करना है, 1 अंक पर दशमलव रखना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 3.4 और नीचे 1 जीरो कम कर दोगे और ऊपर क्या होगा,
1-0 ये बढ़ जाएगा कुल मिलाकर के फाइनल में। इसे आप ऐसे समझ सकते हो यार, जैसे कि बोले अगर हम, चलो रहने दो ऐसे ही ठीक है, लेकिन अब हम ऊपर एक अंक पर दशमलव लगा के 10 से गुणा कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये गुणा कर लोगे तो दशमलव हट जाएगा, मतलब समझना। लेकिन इसे जब फाइनल में हल करोगे तो 3.4 × 10⁻³ आ जाएगा। इसमें जो घात आई है अधिकतम ना माइनस में, वही इसका क्या होगा, क्या होगा इसका, वही इसका पूर्णांश भाग होगा कि नहीं, ठीक ना? क्या होगा, पूर्णांश भाग होगा कि अपूर्णांश होगा, कमेंट करके बताना उसका पूर्णांश भाग होगा कि अपूर्णांश, ठीक ना? तो इतना बात समझ में आई, ये इसका आंसर हो गया। अगर कोई और भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो अभी, यानी कि इसको हम कंफर्म करते हैं आपको, ये क्या हो गया, -3 इसका अपूर्णांश हो गया। क्या हो गया, सॉरी अपूर्णांश नहीं, पूर्णांश इसका क्या हो गया, ये देखो पूर्णांश कितना हो गया, -3। साथियों इस तरह से आपको पूर्णांश के बारे में बता दिया गया। अगर आप इसमें और भी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करना तुरंत, और हाँ जो भी छात्र छात्रा है अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तुरंत कर दें जल्दी से। और अगर आप इसे अभी तक लिख नहीं पाए हो ना तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप नोट कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना आप सभी को आता होगा, है ना? तो चलिए अब हम बात करेंगे एंटी लॉगरिथम, प्रति लघुगणक के बारे में। छोटी सी बात करेंगे पर ज्यादा कुछ नहीं। प्रति लघुगणक, इसकी सारणी वगैरह हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, नई क्लास में, इसको अभी यहां पर नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बताएंगे। प्रति लघुगणक, यहां से आपको कुछ कम मजा आ रहा होगा लेकिन इसका इंग्लिश लिखोगे तो आएगा। एंटी लॉगरिथम क्या है, एंटी लॉगरिथम्स, ठीक है, ओके ना? चलिए साथियों ये होता क्या है, देखना इधर समझना। यदि यदि लिखिए आप सभी, लॉग एक्स इक्वल वाई, अगर इस तरह से दिया है, अब एग्जाम्पल में हम आपको और भी दिखा देंगे, तो यक्स को वाई का एंटी लॉगरिथम कहते हैं, मतलब प्रतिलघुगणक कहा जाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन हमने आपके लिए दिया, उम्मीद करते हैं आप इसे समझ चुके होंगे, है ना? यहां पर बेस नहीं दिखाया गया, बेस मानते हैं ए होगा जो कुछ भी होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर यहां पर log 6 दिया है और बेस किस पे है, 2 पर है, मतलब समझना एक प्रकार से एग्जांपल के रूप में समझना, ये log सही है कि नहीं सही है, इससे नहीं मतलब जो बताना चाहते हैं उसको समझना। जैसे 2 × 4 × 8 होता है ना, यानी यहां पर हम मानते हैं, चलो 8 लिख देते हैं, सही सही लिखते हैं 8, और यहां पर है 3। तो इसमें अगर आपको प्रतिलघुगणक पूछा जाए तो क्या होगा, 8 जो है क्या है, वो 3 का प्रतिलघुगणक है, क्या है 8 जो है वो 3 का प्रतिलघुगणक है, एंटी लॉगरिथम, आप समझ गए होंगे। तो साथियों अगला चैप्टर आपका चलेगा शेयर और लाभांश। जी हाँ, शेयर एंड डिविडियंड हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये क्लास में इतना ही फिलहाल, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप उसे जरूर कमेंट करें। और हाँ, ये क्लास आपकी अभी तो सुबह 6 बजे से चल रही है, इसका टाइम सोच रहे हैं बदलने के लिए, आप लोग क्या कहते हैं उसके लिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि टाइम को बदलना चाहिए कि नहीं। अगर आप कंप्लीट क्लास करना चाहते हैं डीएलएड की, थर्ड सेमेस्टर की, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन करें, और थोड़ा सा नाम मात्र का ज्वाइनिंग शुल्क जमा करके और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी याद रखें, ये प्रेजेंट टाइम में क्लास का समय सुबह 6 बजे से हो रहा है लाइव, सुबह 6 बजे से। तो अपने विचारों को दीजिएगा। जय हिंद, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे थोड़ी देर बाद, अभी 6:30 बजे से डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर का क्लास होगा, पूरा क्लास देखना।
और जुड़ना जरूर, ठीक ना। क्लास 10 मिनट की है तो क्या हुआ, लेकिन इसमें अगर आप इसे करोगे तो आपको 1 घंटा से ज़्यादा लगेगा। हाँ जी बिल्कुल, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेंगे अगर सभी सवाल करोगे तो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।